बॉस यस बॉस यस बॉस। कविता कविता क्या है विनोद? मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, तुम ब्रेकफास्ट कर रही हो अभी तक? अरे मैं अभी शुरू किया मैंने। तुम कितना खाने लगी हो आजकल मालूम है? अगर तुम एक वक्त खाना छोड़ दो ना तो पूरा गरीबों का मोहल्ला खाया इतने खानों में, इतना खाने लगी हो आजकल। तुम दिन ब दिन कितनी मोटी होती जा रही हो कविता। मैं मोटी होती जा रही हूँ? उस वक्त मेरी गाड़ी बैठी, मेरी गाड़ी के दोनों टायर फ्लैट हो गए मालूम है। एक्सक्यूज मी विनोद, मेरी वजह से टायर फ्लैट नहीं हुआ था, वो तुम्हारी मोटी मम्मी पीछे की सीट पे बैठी हुई थी। कविता कविता तुम कितनी मोटी हो गई आजकल, तुम्हारे सामने मेरा डबल बेड छोटा रखा छोटा, कल रात को मैं नीचे गिर गया था मालूम है तुम्हें? तुम गिर नहीं गए थे, मैंने तुम्हें धकेला था। क्यों? क्योंकि सपने में मीरा 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 नाम जप रहे थे तुम। हो गई तुम्हारी नाम लेना शुरू कर दे तुम्हें मीरा जी का। अरे तुम क्या मुकाबला करोगी उनका, क्या मुकाबला करोगी उनकी? इतनी फिक्र मेंटेन कर लेगी तुम्हें, 7 जन्म लगेंगे, 7 जन्म। सीखो कुछ, सीखो उनसे। अरे क्या सीखूं, हां क्या सीखूं तुम्हारी स्लिम एंड ट्रिम ब्यूटी क्वीन से, क्या सीखूं? हाउ टू स्टे स्लिम एंड ट्रिम। अरे तुम्हारी वो मोटी मम्मी को सिखाओ, मुझे मत सिखाओ। मां का नाम बता दे। मेरा नाम क्यों ले रहे हैं बीच में? मां तो अंदर जा। तू चुप, ये कल की छोकरी मुझसे बराबरी कर रही है। नहीं नहीं सासुमा, आपसे बराबरी कैसे कर सकती हूँ? कल जब गार्डन में घूमने गए थे तो वो रिवॉल्विंग गेट के अंदर आप फंस जो गई थी। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मोटापा मेरी उम्र का है। लेकिन तू तो इस उम्र में इसकी सास लगती हो। हाउ डे यू विनोद। विनोद तू ठीक कहता था, मीरा जैसे फिगर मेंटेन करने के लिए इसे 7 जन्म लगेंगे, 7 जन्म। आई चैलेंज यू सासुमा, 1 महीने के अंदर अंदर मैं मीरा से पतली होके दिखाऊंगी। ओह रियली? तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ लंदन चल सकती हो। लंदन? डार्लिंग लंदन जाना है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे हबल डैश की एग्जीबिशन लगी है और उन्होंने हमें 3 कॉम्प्लीमेंट्री पासेस दिए हैं, उसमें एयर टिकट और होटल स्टे सब फ्री है। 3 कॉम्प्लीमेंट्री? मेरी और मीरा जी की टिकट तो कंफर्म हो गई है, बस तुम्हारी कंफर्मेशन बाकी है। कंफर्मेशन बाकी है? क्यों डार्लिंग? क्योंकि उनकी शर्त है कि वहाँ पे आने वाली हर औरत का वेट 60 किलो के नीचे होना चाहिए और तुम्हारा तो मेरा ख्याल है 70 के प्लस चल रहा है। डोंट वरी विनोद, एग्जीबिशन 1 महीने के बाद है ना, 1 महीने के अंदर अंदर मैं अंडर 60 होके दिखाऊंगी, मीरा जी से भी पतली। बेटा मेरी मान तू, अपना मुंह सिलवा ले। करेक्ट, तुमने क्या बात कही है, इससे 2 फायदे होंगे। कौन से? पहला तो ये कि इसका खाना बंद हो जाएगा और दूसरा ये कि इसकी जबान बंद हो जाएगी। और आप सुन लीजिए, 1 महीने के अंदर अंदर मैं मीरा जी से पतली होके दिखाऊंगी और अगर ये हो गया ना तो आप 1 महीने के लिए गांव चली जाएंगी। डन डन डन। हाय गुड मॉर्निंग। हाय शीतल, गुड मॉर्निंग। हेलो शीतल, विनोद कहाँ है? जी वो कैबिन में है। कैबिन में? अच्छा, और मीरा जी? वो भी उन्हीं के साथ है। क्यों, दोनों की कैबिन एक ही कर दी क्या? जी नहीं, वो बैलेंस शीट टैली कर रहे हैं। अच्छा, फिगर मेंटेनेंस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कविता जी। ओह थैंक गॉड मोहन जी आप मिल गए, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अच्छा मोहन जी, जी आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। अच्छा फिर एक काम करते हैं, सामने एक होटल है वहाँ चलते हैं। इतनी भी प्राइवेट नहीं है। अच्छा तो यही कोई कोना पकड़ लेते हैं, आइए। ठीक है चलिए। So 425 rupees is a miscellaneous account and 4,25,000 rupees is a suspense account. आप देख रहे हैं सर? हाँ देख रहा हूँ। Sir, I mean the figures. आप फिगर ही देख रहे होंगे। जी? I mean suspense account कितना है? 4,25,000 rupees sir. ज़्यादा बड़ा नहीं suspense account है? वही ना सर, वही तो मैं कह रही थी। इसीलिए जो बाकी का जो accounts है ना सर? अरे छोड़िए मीरा जी, account की बात है। बैठिए जरा गपशप। सर ऐसा मत कहिए सर, दीवारों के भी कान होते हैं सर। Then let's go out then. सर लोग क्या समझेंगे? अरे क्या आप डरती हैं मीरा जी लोगों से? मैं तो अपनी बीवी से डरता हूँ। मैंने उसको आज बोल दिया, मैंने कहा देखो मीरा जी ने कैसे फिगर मेंटेन की हुई है अपनी, she's so slim and trim. फिर आपने क्या कहा? मोहन जी मैंने तो विनोद को चैलेंज दे दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं स्लिम और ट्रिम होके दिखा दूंगी। ओह वाओ दैट्स ग्रेट, आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम। लेकिन मोहन जी आई विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू हेल्प मी, मुझे इसमें आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? देखिए मोहन जी अगर आपने मदद नहीं की ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ मैडम? अरे मोहन जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, मैंने विनोद से शर्त लगाई है कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं मीरा जी से भी स्लिम और ट्रिम होके दिखा दूंगी। मैडम आप वैसे ही कितनी स्लिम और ट्रिम है, कई बार तो आप दिखती भी नहीं है। रियली मोहन जी? लेकिन मुझे मीरा जी से स्लिम और ट्रिम होके दिखाना है, तब भी मैं लंदन जा सकती हूँ।
लेकिन आपको पता नहीं? नहीं, कंपनी की तरफ से विनोद को 3 पासेस मिली है। एक तो विनोद जाएगा, दूसरी मीरा जी जाएगी, और तीसरा मैं, मैडम तीसरा मैं। लेकिन हाउ कैन आई गो, मेरा पासपोर्ट रेडी नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ। अगर एक महीने के अंदर अंदर मैं मीरा जी से स्लिम और ट्रिम हो गई तो मैं लंदन जा पाऊंगी। लेकिन कमाल की बात है, ये लंदन वाली कहानी के बारे में तो हमें पता ही नहीं। समझे नहीं? अरे वर्मा साहब तो यही कोशिश करेंगे ना मीरा, कि कविता मैडम का वेट जितना है उतना रहे या फिर और बढ़ जाए। अगर कविता जी हार गई तो मुझे वर्मा के साथ अकेले लंदन जाना पड़ेगा। अरे क्यों घबराती हो बेटी, अपने बॉस से कह देना मेरी मम्मी भी साथ चलेगी। हाँ, और रास्ते में जब अफ्रीका आएगा तो प्लेन में से इनको अफ्रीका के जंगल में फेंक देंगे। फिर तो मैं उसे कहूंगी कि मेरे दामाद को साथ ले। ये देखो इस औरत को देखो, जब से हमारी शादी हुई है ये औरत नए दामाद की तलाश में है। अरे पापा अपनी बकवास बंद करो और कोई आइडिया सोचो जिससे कविता जी का वजन कम हो जाए। आइडिया तो है मेरे पास। क्या? अरे कविता जी को यहाँ बुलाते हैं और उनसे हैवी ड्यूटी डाइटिंग करवाते हैं। कविता? अरे ओ कविता, क्या है? अरे खाना नहीं बना रही हो? भूल गई, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। हैं? तो तुम्हारा डाइटिंग चल रहा है, मेरा नहीं, मुझे तो खाना है। हाँ खाना है तो खुद बनाना पड़ेगा। मैं क्यों बनाऊ? मैंने तो विनोद को फोन किया है, वो मेरे लिए जरूर कुछ लेकर आएगा। हेलो, मैं आ गया। कविता ये मिठाइयां फ्रिज में रख दो। बेटा क्या क्या लेकर आए हो? अरे माँ बहुत कुछ लाया हूँ, गुलाब जामुन लाया हूँ, रसगुल्ले लाया हूँ, पेड़े लाया हूँ, बर्फी लाया हूँ। इतनी सारी मिठाई मैं बहुत दिनों के बाद खाऊंगी। अरे माँ खुद तो खाओ, साथ में कविता को भी खिलाओ ना। अरे विनु ये कैसे खाएगी, इसकी तो डाइटिंग चल रही है ना। अरे माँ एक बाइट से कुछ नहीं होता, जस्ट 1000 कैलोरीज। विनु तुम जानते हो ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तभी भी तुम इतनी सारी मिठाई लाए मेरे लिए। बेबी एक स्मॉल बाइट से कुछ नहीं होगा, खाओगी उतनी कैलोरीज अपने आप बंद हो जाएंगी। ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। मैडम अभी मिठाई नहीं खा सकती, इस मिठाई में जहर मिला हुआ है। जहर? विनोद तुम मुझे जहर खिला रहे थे? आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए? मैं बीबी को जहर खिलाऊंगा? मैं मर्डर हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं क्या हूँ? सर आप समझे नहीं सर, आजकल ये डाइटिंग कर रही है, अभी अगर ये खाएंगी इतने के लिए जहर साबित हो गया या नहीं? आपको बड़ी चिंता है मेरी बीवी की, है? पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी पत्नी के सामने मीरा मैडम के साथ लंदन घूमने के लिए जाए। बेटे को बात पछती नहीं है भाई, देवे सब उगल दिया इनके सामने तुमने। विनोद ये मेरे अच्छे दोस्त है। और आपके अच्छे दोस्त इस घर से बाहर जाएंगे, समझे आप? जाऊंगा सर जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं इनको मीरा मैडम का एक मैसेज देकर जाऊंगा। मीरा जी का मैसेज? जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर आप डाइटिंग में उनकी हेल्प चाहती हैं तो आप एक महीने तक मेरे घर में आके रह सकते। मेरे घर में? उनके घर में आके रह सकती है। वाओ दैट्स रियली नाइस। आप कहीं नहीं जाएंगी, अगर जाएंगे तो आपके ये अच्छे दोस्त यहाँ से बाहर जाएंगे, समझे आप? जा रहा हूँ सर जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले ये मिठाई साथ में। क्यों? क्योंकि सर आपकी पत्नी मोटी है, आपकी माँ मोटी है। और आप? सर मैं तो टॉल डार्क एंड हैंडसम हूँ, ये पेट थोड़ी है, ये तो पीठ। मैं तुमसे कितनी बार कहा कि ऐसे वाहियात लोगों को मुंह मत लगाया करो। वाहियात तुम हो विनोद, ये जानते हुए कि मैं डाइटिंग पे हूँ तुम मेरे लिए इतनी सारी मिठाई लाए। ये तो भगवान का शुक्र है कि मेरे अच्छे दोस्त मोहन जी यहाँ एन वक्त पर आ गए, वरना आज मैं 2-4 और किलो पुट ऑन कर लेती। डोंट बी अपसेट, जस्ट हैव अ बाइट, यू फील नाइस। अरे मोटी कहाँ गई? ये लेके आई मुझे। चलिए ना जल्दी, ये पकड़िए, सास के हाथ में बैग देती है। ओ हाय कविता, कैसे हो? हाय सीमा, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी। तुम कैसी हो? मजे में, ग्रेट, ऐश कर यू। अरे पर तुम इतनी दुबली कैसे हो गई? रियली पतली हो गई हूँ मैं। मैं पतली हो गई हूँ। पति खाना वाला नहीं देता क्या? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं सीमा, वो क्या है ना आजकल मैं डाइट कर रही हूँ। ओह इसलिए इतनी रिड्यूस हो गई हो? बाय द वे करती क्या हो डाइटिंग के लिए? खास कुछ नहीं, बस हर्बल बाइट की एक टैबलेट रोज लेती हूँ और 2 टाइम का खाना कम कर दिया है। क्या 2 टाइम का खाना? यानी ये कुछ खाती नहीं? वो क्या है ना बेटी, पहले 4 टाइम खाना खाती थी ना, अभी 2 बार खाना है। आप चुप बैठेंगी? बाय द वे वो हर्बल प्रोडक्ट्स की गोलियां जरूर खाते रहना, बहुत ही इफेक्टिव है। वो मेरी मोटी आंटी थी ना, मनोरमा आंटी। सासु माँ आपकी फुटबॉल पार्टनर, तो उसने भी ये गोलियां खाई थी। क्या दुबली हो गई है वो पूछो ही मत। एक बार मेरे अंकल ने एक लड़की को पीछे से सीटी मारी, पता चला वो मेरी आंटी ही निकली। Anyway, I'm getting late, मैं जा रही हूँ। Okay, bye, सीमा। सुना आपने मेरी फ्रेंड ने क्या कहा? क्या कहा? मैं पतली हो गई हूँ और आपका वो वीनू मुझे खामखा मोटी मोटी बुलाते रहते हैं। क्या है उसकी आंखें बचपन से कमजोर है, समझे? हाँ हाँ, आप तो
की दादी लगती है ना। चलो हाय कविता। ओ हाय दीप्ति, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अरे क्या बात है? एक मिनट, कुछ मत कहना, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। क्या? तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, काफी मोटी लग रही हूँ। मैं मोटी लग रही हूँ? हाँ। बराबर से देख। हाँ, पिछली बार जब हम ब्यूटी पार्लर में मिले थे तब तो काफी दुबली लग रही थी। अरे क्या है बेटी, आजकल ये खाना कम खाती है ना, फिर भी मोटी लग रही है। तुझे कुछ काम धंधा नहीं है? हाँ काम नहीं है तुझे घर पे? चल जा अभी। चलिए हाथी मेरे साथी। चल हाथी का पिल्लू। मोंजी मोंजी, और एक सुनाओ ना। और एक और। अच्छा, एक टीचर ने बोला बच्चे को, ये बच्चे तुम स्कूल क्यों नहीं आए? बोला जी कल हमारी मुर्गी ने अंडा दिया था ना, इसलिए नहीं आया। टीचर बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बच्चा बोला बड़ी बात नहीं है? बोला नहीं। बोला फिर आप देके दिखाओ अंडा। अरे मोहन तू यहाँ खड़ा खड़ा सबको हंसा रहा है, वहाँ बीपी साहब राउंड पर आने वाले हैं। अच्छा इसलिए वर्मा साहब अभी तक मीरा मैडम के कैबिन में नहीं गए? अरे तेरा कहने का मतलब क्या है कि वर्मा साहब बीपी साहब डरते हैं क्या? डरते हैं? अरे इतना तो अपने बीबी से भी नहीं डरते होंगे। डरते वरते नहीं है यार, वो डरते नहीं है। अरे बीपी साहब का फोन आता ना तो उठ के खड़े हो जाते हैं। खबरदार, जो इस तरह की अफवाह किसी ने फैलाई मेरे बारे में इस ऑफिस में, मैं को डरूंगा उससे? वो कोई कोई गैंडे हैं, कोई जंगली भैंसे हैं, कोई हिप्पो हैं, बल्कि वो डरते हैं मुझसे। क्यों सर? क्योंकि उन्हें एडवर्टाइजिंग की एबीसीडी नहीं आती। वो पोस्टर को पोस्टेज बोलते हैं, पोस्टर को पोस्टेज, बोर्डिंग को बोर्डिंग बोलते हैं, बोर्डिंग को बोर्डिंग, और कुछ कॉपीराइटिंग को कॉपीराइटिंग बोलते हैं, कॉपीराइटिंग, और कुछ ये कौन है? और कुछ, और कुछ क्या मोहन जी, आप ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं साहब? मैं देखिए वर्मा, मुझे मालूम है कौन उल्टी सीधी बातें कर रहा है, समझे ना? मैं आपके दिल्ली ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप एक महीने के लिए दिल्ली जाइए। आप जोक कर रहे थे इसलिए सिर्फ एक महीना भेज रहा हूँ। जाइए दिल्ली की रेलवे लाइन पे लगे सारे पोस्टर चेक करके आइए। वो यहाँ के करेंगे, आप वहाँ के कीजिए। जाइए रात की लेट नाइट फ्लाइट है, 35% डिस्काउंट वाली, 2 बजे उठेगी, भगवान ने चाहे तो 4 बजे गिरेगी। जाइए जाइए, तैयारी कीजिए। सर पैकिंग कीजिए सर, जाइए प्लीज। ये ठीक है, ये ठीक है। कविता मैं एक महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, ये ठीक है। अरे वाह, तुमने मेरी पैकिंग भी कर दी। डालेंगे तुम्हारा बैग नहीं, ये मेरा बैग है। विनोद लगता है शर्त हार कर भाग रही है। ओ सासुमा, शर्त हार कर नहीं, शर्त जीतने जा रही हूँ मैं। लेकिन तुम जा कर रही हो बाय द वे? डार्लिंग मैं मीरा जी के घर पे जा रही हूँ। बाय मदर एंड सन। And a one, and a two, and a three, and a four, and a five. Right कर रही हूँ ना? Very good, Kavita ji. Eight more, come on. And a two, and a three, and a four. One more, only one set more. Okay. Very good. अरे माँ, thank you so much. And अभी change. Pacing. आपके लिए नहीं है? One. That side, two. Other side, मीना जी, Kavita ji, other side. हेलो विनोद, हाय। कौन बोल रहे? मैं कविता बात कर रही हूँ विनोद। सॉरी जी मैडम, ये रॉन्ग नंबर। हेलो कविता जी, किसका फोन था? पता नहीं मीरा जी, रॉन्ग नंबर, शायद कोई किसी और से बात करना चाहता है। आप ही उठाइए। जी जी। हेलो। हेलो कौन? कविता? नहीं नहीं, मैं मीरा बोल रही हूँ। वर्मा साहब, आपकी बीवी कविता यहाँ पे बहुत मजे में है, आप उनसे बात करिए। हाँ डार्लिंग, बोलो। तुमने थोड़ी देर पहले फोन किया था ना? नहीं, मैं तो अभी मीटिंग से आ रहा हूँ भाई, जस्ट नाउ। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे वो विनोद मेरी डाइटिंग बहुत अच्छी चल रही है, एक महीने के अंदर अंदर मैं पतली होके दिखा दूंगी तुम्हें। मीरा जी, आंटी जी और मोहन जी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। मोहन जी मैं बात करूं। तुम जरा उस लफंगे से दूर रहना, बहुत घटिया किस्म का आदमी है, मैं उसकी नस नस पहचानता हूँ। सर मुझे आपके बारे में सब मालूम है, फिर आप दोबारा क्यों बता रहे हैं? सर मोहन जी, जरा आप मेरी बीवी से और मीरा जी से दूर रहिएगा, सुना आपने? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैंने कहा आप जरा मेरी बीवी से और मीरा जी से दूर रहिएगा। हाँ सर, डोंट वरी सर, मैं यहीं पर रहूंगा और मैडम की ट्रेनिंग भी करवा दूंगा। मैं
समझी उन्होंने? पता नहीं ठीक से आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कह रहे थे कि मैं यहीं पर रहूं और आपकी ट्रेनिंग भी करवा दूं। Really? How nice, मीरा जी, if you don't mind, मोहन जी हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं? नहीं 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 मैम, नहीं मैं एक पराया आदमी हूँ, मैं यहाँ पर। क्या बात कर रहे हैं मोहन जी, आप तो घर के ही आदमी हैं। क्या? चलो खाना खाना। खाने में क्या बनाया मम्मी? आलू मटर है, बटर चिकन है, दाल है। बस 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 बस, मुँह में ऑलरेडी पानी आ गया। मेरे भी मुँह में पानी आ गया। चलिए चलिए बेटा, तेरा खाना। मेरा खाना? आंटी जी ये क्या है? सलाद बेटी, मैं सलाद खाऊंगी और आप सब लोग बटर चिकन खाएंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको वेट लॉस करना है, आपको ये खाना पड़ेगा। आई एम योर ट्रेनर। लेकिन मोहन जी फर्स्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो ठंडी आइए आइए, आराम से खाइए। और ये भी ज्यादा है, ये पकड़िए। जी यार, मोहन जी ऑफिस नहीं आते तो कितना बोर होता है। अरे वो क्यों आएंगे, आजकल कविता मैडम की वजन घटाने में तो मदद कर रहे हैं। अगर कविता मैडम वजन घटाने में फेल हो गई तो मेरा चांस लग जाएगा। दिली वर्मा साहब, मीरा मैडम तो अकेले ले जाना चाहते हैं। चली गई तो मेरा क्या होगा? हेलो, यस सर, एक मिनट। हेलो सर, वर्मा सर, हाउ इज दिल्ली सर? नहीं सर, मीरा मैडम तो नहीं आ रही ऑफिस में। नहीं सर, मोहन जी भी नहीं आ रहे हैं ऑफिस में। हाँ सर, कविता मैडम बिल्कुल ठीक है सर, सुरक्षित हैं। और सर उनका वेट इंप्रूव हो रहा है सर। नहीं नहीं, मेरा मतलब घट रहा है सर। हेलो, कौन रखती है? मीरा, लंदन जाने की तारीख नजदीक आ गई। आई नो। और कविता का वजन घट ही नहीं रहा। वही ना माँ, हमें किसी भी हालत में कविता जी का वजन कम करना पड़ेगा, वरना मुझे वर्मा के साथ मजबूरन लंदन अकेले जाना पड़ेगा। वैसे आपकी नजर है ना कविता जी पे? एकदम कड़ी नजर है। पता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ? क्या? वो जेली खा रही थी, वो भी आइसक्रीम के साथ। क्या? फिर क्या, मैंने उसे प्लेट ले ली। वेरी गुड वेरी गुड, और मैंने खत्म कर ली। वैसे वो अब कहाँ है? तुम्हारा मोहन उसे जॉगिंग करवा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मोहन जी, आई जस्ट कांट डू इट एनीमोर। मैडम क्या, रुक क्यों गई आप? अरे मोहन जी, 3 वीक हो गए, मैं कितनी जॉगिंग करूंगी और कितनी डाइटिंग करूंगी, लगता है मेरा वजन बहुत कम हो गया है। नहीं मैडम, अभी बाकी है आपका। अरे क्या बाकी है मोहन जी, और वैसे भी जब विनोद मुंबई आएगा ना तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं दिखाई ना दूं उसे। अच्छा ये बताइए, जब आप मीरा मैडम के घर पे गई थी तब कितना वजन था आपका? 70 किलो होगा। वजन वाला लो, सामने बैठा वजन वाला। आइए आइए चेक करते हैं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खड़ो खड़ो खड़ो, कितना भैया? अरे आपका की इनका इनका भाई, अरे तो हाथ लगाइए। 70 किलो। क्या 70 किलो? 70 किलो। ए सद्दू वेरी गुड, कितना बढ़ा के बताया? 5 किलो। 5 किलो, यानी कि इनका वजन 65 किलो है। हा? लेकिन कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जल्दी जाइए और रो रही है, मनाइए उनको। आप मेरे फिजिकल इंस्ट्रक्टर है और अभी तक मैं 70 किलो हूँ। बड़ा फिर भागिए ना, और भागिए। अरे 3 वीक से तो भाग ही रही हूँ, अगर मैं सीधा भागती ना तो अब तक तो लंदन पहुँच जाती मैं। तो मैडम समझे नहीं, फिर आप डाइटिंग कीजिए, खाने पे कंट्रोल कीजिए। डाइटिंग? 3 वीक से मैं कुछ भी खा रही हूँ तो आपकी वो मीरा जी और उनकी मम्मी मेरे हाथ से निवाला छीन कर खुद खा जाती है। मैडम डोंट वरी, अभी वर्मा साहब को वापस आने में 5-6 दिन बाकी हैं। डोंट वरी, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक नया सेट देता हूँ एक्सरसाइज का। मुझे कोई नया सेट नहीं सीखना है। तो फिर ठीक है, मेरा मैडम जाएंगे लंदन। नहीं नहीं, सीखना है। सीखना था? स्टार्ट। 5, 6, 7, 8. मैडम आप 1, 2, 3, 4 खा गई। 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वेलकम सर, वेलकम। विनोद तुम आ गए? नहीं दिल्ली में हूँ, कांटी उसी सामने खड़ा हूँ तुम्हारे। सर आपके पीछे से मैडम ने बहुत मेहनत की है ना मैडम? हाँ विनोद, मैंने बहुत मेहनत की, 1 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं खाया, जॉगिंग करती रही। सासुमा अब आप फटाफट गांव जाने की तैयारी कीजिए और मैं तैयारी करती हूँ लंदन जाने की। बाय द वे विनोद, मैं लग कैसी रही हूँ? मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तुम्हारे साइज में। हाथ कंगन को आरसी क्या? ये देखो मैं मशीन लाई हूँ वजन करने का। चल खड़ी हो जा। विनोद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मैडम इनको छोड़िए, आपको मुझ पर भरोसा है ना, मेरी ट्रेनिंग पे विश्वास है ना, तो खड़े होइए आप। ओके हाँ यस। 70 किलो 70 केजी, आप तो मेरे साथ लड़ना नहीं कर सकती, मेरे साथ सिर्फ मीरा जी जाएंगी, मीरा जी, because she is the only one who is slim and trim. Excuse me sir, मेरा मैडम भी आपके साथ लंदन नहीं जा सकती। क्यों? हेलो सर, मीरा
मीरा जी। जी सर। मीरा जी ये आपका क्या हो गया मीरा जी? सर दरअसल कविता जी को रोकते रोकते मैं कुछ ज्यादा खा गई। क्या?